देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से, जहां कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी महामारी से निपटने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन 2 चरणों में किया गया, जो बिल्कुल सफल होते दिखाई दे रहा है। इसी लॉकडाउन में लोगों की समस्याएं और सेवा में लगे कर्मियों की समस्याएं जानने के लिए तपती दोपहरिया में इंडिया पोस्ट न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार फिरोज सिद्दीकी निकले सड़कों पर और जाना लोगों का हाल, और प्रशासनिक अमले में काम कर रहे कर्मचारियों से भी की वार्ता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश सिंह, अच्छा जनपद प्रतापगढ़ के फायर सर्विस की टीम सदर में एक गाड़ी कर्मचारियों के साथ हॉटस्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों को हॉस्पिटल जिला अस्पताल लगातार 3 तारीख से अनवरत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और फायर स्टेशन रानीगंज की गाड़ी नरसिंहगढ़ हॉटस्पॉट कौकलपुर देलूपुर वगैरह में लगातार गाँवों में एक एक घर को जहाँ पे संवेदनशीलता है वहाँ पे प्रतापगढ़ को सैनिटाइज करने के लिए, इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध कराया है जनपद को सैनिटाइज करने के लिए। और इस तरह हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, प्रत्येक दिवस 2 गाड़ियाँ अलग अलग मोहल्लों में जाके अलग अलग हॉटस्पॉट संवेदनशील क्षेत्रों में जाके लगातार सैनिटाइज कर रही है। धन्यवाद। इससे पहले सर कहाँ कर चुके हैं आप? इसके पहले लगातार जामा मस्जिद, जिला अस्पताल, बर्न यूनिट, सीएमओ कार्यालय, बाबागंज, ये घंटाघर मार्केट और रानीगंज की टीम नरसिंहगढ़ देलूपुर कौकलपुर और तमाम 4-5 गांव हैं जो वहाँ पे लगातार रानीगंज ट्रामा सेंटर, अंतिपुर ट्रामा सेंटर वगैरह में हमारी गाड़ियां लगातार सैनिटाइज कर रही हैं।